नमस्कार दोस्तों, सामने आप जो देख रहे हैं कच्ची घानी से निकला हुआ तेल है और पीछे है कच्ची घानी का कोलू। आजकल कच्ची घानी के कोलू से जो तेल निकलता है उसकी मांग बढ़ रही है, इसीलिए बहुत से लोग कच्ची घानी का कोलू लगाना चाहते हैं और उसे एक व्यवसाय बनाना चाहते हैं। पर उसके पीछे का गणित बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। मेरे साथ है चेतन सियाग, जिन्होंने यहाँ दो कच्ची घानी के कोलू लगाए हुए हैं। ये राजस्थान में चूरू के रहने वाले हैं और साथ में एक कोल्ड प्रेस मशीन भी लगाई हुई है। चेतन सियाग यहाँ पूरा गणित समझाएंगे कि यदि आप कच्ची घानी का कोलू लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कॉस्टिंग आती है, कितना तेल दिन में निकलता है एक कच्ची घानी से, और कितनी मार्केट हो सकती है, कितनी बचत आती है, सीड कहाँ से लेना चाहिए, क्या क्या और चीजें जरूरी हैं, पैकेजिंग की क्या जरूरत पड़ती है, वो सारी बातें लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बेसिक आपको आइडिया बता देता हूं, जो मैंने इनसे ही जाना है, पूरी रिसर्च करने के बाद 2-3 घंटे इनसे समझा और फिर जो निकल कर आया वो हम जानते हैं। ये देखिए, इन्होंने दो कच्ची घानी के कोलू लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक ये है, ये कच्ची घानी का कोलू इन्होंने 2 साल पहले लगाया। अब चेतन सियाग जी से पूछते हैं कितना पड़ा। चेतन जी बताइए दर्शकों को, ये जो कच्ची घानी का कोलू है कितने कॉस्टिंग आई शुरू में? सर ये स्टार्टिंग में मुझे 1.5 लाख रुपए का पड़ा था। 1.5 लाख रुपए में ये सेटअप आपको पड़ा। कितना तेल निकलता है इसमें? सर सरसों का तो 20 लीटर के राउंड निकलता है पूरे दिन में, और तिल का और मूंगफली का लगभग 25 से 30 लीटर। 1.5 लाख की मशीन, उसके बाद आपको ने सेटअप लगाया यहाँ इसको मशीन का, ये जो सेटअप लगाया इसमें कितना खर्चा हुआ आपको? 10 लाख रुपए। बाहर वाला जो 10-12 लाख रुपए। ये थोड़ा बड़ा है, छोटे में भी काम चल सकता है? छोटे में भी काम चल सकता है, अगर किसी के पास ऑलरेडी जगह है तो वो उसमें भी लगा सकता है। इस सेटअप क्योंकि इन्होंने बाहर खेत में बनाया हुआ है तो इनको ये 10 लाख रुपए पूरा स्ट्रक्चर बनाने में लगा। पर आपके पास यदि एक जगह है जिसपे कोलू लगा सकते हो तो वो आपका खर्चा बच जाएगा। उसके बाद बात आपने की कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। सर 3 फेज का कनेक्शन चाहिए होता हमें, वैसे एक फेज सिंगल फेज की भी मशीन आती है, मोटर आती है, लेकिन वो आपको परेशानी करेगी बार बार में क्योंकि वो लोड नहीं लेगी, तो 3 फेज का कनेक्शन लेना बेहतर रहेगा। 3 फेज का कनेक्शन चाहिए। हाँ। और ये मशीन हो गई। फिर बात करते हैं बीज की, यानी कि सीड जो चाहिए, तिल तेल निकालना है या, तो वो सीड जो है कहाँ से खरीदते हैं? सर हम तो सीड लोकल किसान से खरीदते हैं, और यहाँ चूरू में क्या है कि रेन फेड फार्मिंग में मतलब बिरानी खेती होती है, तो हम तो किसान से खरीदते हैं, फिर उसको सीड क्लीनिंग मशीन में इसको सीड क्लिक करते हैं, और अगर कोई सीड क्लीनिंग मशीन नहीं लगाना चाहे तो ग्रेडिंग के लिए दाने लेके आ सकता है वो डायरेक्ट। यानी कि बीज को साफ करने के लिए आपने तो एक मशीन लगा ली। हाँ। सीड क्लीनिंग मशीन या ग्रेडिंग मशीन। हाँ। नहीं तो वो साफ किए हुए भी ला सकता है। हाँ। नहीं तो उसमें कई बार मिट्टी कंकड़ रेत बहुत आता है। बिल्कुल। आप बात करते हैं, आपने क्लीनिंग मशीन लगा ली, आपने ये कोलू लगा लिया, तो इसकी में वायबिलिटी आई है आपको? क्योंकि खर्चा मान लो तेल आपने निकाला 100 किलो सरसों का, कितना तेल निकला? सरसों में लगभग 25% निकलता है अराउंड, 25% निकलता है। हाँ, हाँ। कभी 26 भी हो जाता है, कभी 23 भी हो जाता है। यानी कि 100 किलो है तो 25 किलो तेल निकला। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद वो जो है तेल आपका 20 से 25 लीटर निकला 25 लीटर एक दिन में। हाँ। सरसों का तेल। अब ये देखिए, यहाँ आपको गणित लगाने की जरूरत है कि आपको सरसों किस भाव मिलेगी, उसके बाद जो आपको 1/4 तेल निकलेगा वो तेल क्या भाव बिकेगा, उसके बाद एक लेबर पूरे दिन चाहिए इसमें। हाँ। उसके बाद जो बात आती है वो आती है पैकेजिंग की। हाँ। कि आपने तेल निकाला फिर पैक भी करना होगा। बिल्कुल। किस में? बोतल में करते हैं। बोतल में। बोतल, उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ जाता है। और फिर आती है मार्केटिंग की बात। तो एक कच्ची घानी के कोलू से 25 लीटर तेल पूरे दिन में निकाल करके सरसों जो आपने खरीदी और तेल किस भाव बेचा, लेबर कॉस्ट क्या रही, बिजली की कॉस्ट क्या रही, पैकेजिंग की कॉस्ट क्या रही, और फिर अगर आपको डिलीवरी देनी है आगे उसकी कॉस्ट क्या रही, और आपको आगे GST लेना पड़ता है उसकी भी कॉस्टिंग आती है, FSSAI नंबर लेना पड़ता है, ये सब चीजें देखने के बाद फिर इन्होंने जो पहली मशीन लगाई उसमें शायद वायबिलिटी आपको नहीं आई। नहीं, इसका लकड़ी का हाई मेंटेनेंस था इस मशीन का। अच्छा, अब ये देखिए जो लकड़ी का पट्टा है, ये पिछले 2 साल में मैं दिखाऊं उधर 7 से 8 पट्टे बदल चुके हैं, क्योंकि ये फट जाता है। मूसल फट जाता है। ये मूसल जो है ये फट जाता है। हाँ। और इसके फटने से इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, क्योंकि ये कितने का आता है? लगभग 3,500-4,000 का आता कम से कम। अब जैसे बताया 3,500-4,000 का एक मूसला है, 2 साल में कई बदल चुके हैं। इसी कारण इन्होंने एक मशीन और ले ली जो अपग्रेडेड है। इस मशीन में ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और इसमें इनको कंफर्ट जोन है शायद। हाँ, बिल्कुल। तो आप इस मशीन को कितने में लाए, ये जरा दर्शकों को बताइए। ये मेरे लगभग 3 लाख रुपए की पड़ी है। अब कई लोग पूछते हैं 3 लाख ही कैसे पड़ी है। ये सर पूरी फूड ग्रेड के अकॉर्डिंग बनाई गई है मशीन। ये इसमें SS304 पार्ट यूज हुआ है, और जो इसकी वुड है वो भी अच्छी क्वालिटी की है, वो भी बड़ी बढ़िया वुड है, और इसकी मशीनरी भी काफी अच्छी है, इंजन बॉक्स भी काफी अच्छा है इसका, और ये बिल्कुल नॉइज भी नहीं करती है। तो ये लगभग 3 लाख रुपए की अब और मशीन आप लेकर आए हैं। हाँ। ये कितना तेल निकाल देती है? सर ये उससे ज्यादा तेल निकालती है। तो ये कितना ज्यादा निकालती है? सर वह मशीन 25 से 30 लीटर निकालती है तेल और मूंगफली का। यह मशीन 40 लीटर निकाल देती है इजीली। 40 लीटर एक दिन में निकाल देती है। निकाल देती है। और सरसों का वह 15 से 20 निकालती है, ये 25 निकाल देती है इजीली। 25 निकाल देती है। 25 लीटर तेल निकाल देती है। तो अब ये देखिए, जैसा बताया कि 3 लाख रुपए तो इसकी कॉस्ट आ गई, बिजली की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट। अब फिर से गणित लगाना पड़ेगा कि दिन में अगर ये 30 लीटर सरसों का तेल निकालती है और 40 लीटर मूंगफली या तिल का निकालती है,
तो वो तेल जितना निकला और आपने रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद जो पैकेजिंग के बाद आपने मार्केट किया, वो क्या भाव बेच सकते हैं, उसका गणित लगाइए। अच्छा चेतन जी, कई लोग कहते हैं जैसे मशीन महंगी बहुत है, 3 लाख रुपए की इतनी छोटी सी मशीन, तो क्या ये वर्थफुल है 3 लाख रुपए की? सर बिल्कुल वर्थफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये पहली मशीन है कि जो कि फूड क्वालिटी के FSSAI के नॉर्म से बनी है। इसमें सर पूरा फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है इसके अंदर। आपको बता दें कि चेतन सिहाग ये मशीन तैयार नहीं करते हैं और ये न कोई मशीन की मार्केटिंग है, ये एक निःशुल्क वीडियो है। जैसा शुरू में बताया कि आपको ये गणित बता रहे हैं कि भाई आप अगर ये शुरू करना चाहें तो कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी रनिंग कॉस्ट आती है, क्या मार्केटिंग होती है, कितनी बचत हो सकती है, उस गणित के हिसाब से इन्होंने अभी ये मशीन खरीदी है। 3 लाख रुपए के लगभग कॉस्ट आई है। इसी हिसाब से अब आप देखिए, 25 से 30 लीटर सरसों का तेल निकालती है और 40 लीटर के करीब मूंगफली और तिल का तेल निकालती है। उस हिसाब से आप गणित देखिए कितनी लागत आएगी और कितना इसमें आप सेल कर पाते, कितनी बचत हो सकती है। उसमें आपको लेबर भी लगाना है, बिजली की कॉस्ट भी है और इसकी मेंटेनेंस का पार्ट भी है, पैकेजिंग की कॉस्ट भी है और आगे चलकर फिर GST और दूसरी कॉस्ट FSSAI का आपको नंबर लेना होता है। एक चीज और बता दें कि चेतन सिहाग आपको यहाँ शॉर्ट ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहें और पूरा सीखना चाहें, ट्रेनिंग देंगे, उसका क्या मॉड्यूल है वो भी बता दीजिए आप। सर हम 2000 रुपये चार्ज लेते हैं, जाते वक्त सर हम 2000 रुपये का उनको तेल दे देंगे, मतलब ट्रेनिंग फ्री में देंगे। ये इसलिए रखा गया क्योंकि सर बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, तो जिसे टाइम पास करना है वो भी फोन कर रहा है, जो एक्चुअल में जानना चाह रहा है तो उसको हम वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं कि उसको इतने रुपये का हम तेल दे दें। और जितने जो भी जानकारी होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, आपको फोन पे बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो फेस टू फेस जो भी क्वेरी है आपको मशीन के रिगार्डिंग, प्लांट के रिगार्डिंग, वो सब फ्री में देते हैं सर हम। तो मतलब उसको 2000 रुपये पहले जमा करा दे। हाँ जी। और वो फिर जब आएगा तो आप 2000 रुपये का तेल उसको साथ में दे देंगे। अब उस तेल को घर रखे या बेचे उसकी है, क्योंकि 2000 रुपये इंश्योर करने के बाद फिर थोड़ा आदमी सीरियस हो जाता है, शायद यही मोटिव है आपका। सर हमने फ्री में बताया लोगों को, लेकिन आ रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, तो उसको एक भीड़ को हटाने के लिए, जो वाकई में स्टार्ट करना चाहता है, जो सीरियस इसके प्रति, इसलिए रखा गया है। उससे पहले ये चार्ज भी नहीं था सर। मतलब और भी छोटी छोटी जो जानकारी आपको लेनी है वो आप यहाँ कर ले सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम। कितने दिन की ट्रेनिंग रखेंगे आप? सर एक दिन में हम सब बता देंगे। तो दोस्तों, जैसा चेतन सिहाग ने बताया, इसका गणित आपको बता दिया। अब जो माइनर चीजें, छोटी छोटी चीजें और भी प्रॉब्लम्स कई आती हैं, उन्हें यदि सीखना है तो आप चूरू में आइए, नंबर दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क करके, इनसे टाई अप करके आ सकते हैं और पूरी गहरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से सीखने के बाद फिर आपको A to Z जानकारी हो जाएगी, फिर अगर शुरू करेंगे तो उसमें घाटे के बजाय लाभ की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि बिना जानकारी के ही गड़बड़ होती है। अगर पूरी जानकारी लेके शुरू करें किसी बिजनेस में, कोई भी काम करेंगे, तो फायदे की संभावना बढ़ जाती है। आगे भी हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें तैयार कर रहे हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।